क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवमी पर पैर पखारे, भोजन खिलाए और कन्या पूजन किया। उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री, चीन सीमा पर जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। 5G लॉन्च के दौरान आईटी मंत्रियों के साथ आयोजित किया गया डिजिटल इंडिया सम्मेलन, खास रणनीति पर हुई चर्चा। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में DM SSP ने रावण दहन कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हुए T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर, BCCI ने की आधिकारिक पुष्टि। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। उन्होंने आज नवमी के शुभ अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और कन्याओं का पांव पूजन करते हुए तिलक लगाकर विधि विधान से कन्या पूजन किया। इसके साथ ही सीएम अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मैनपुरी सांसद एवं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत बिगड़ने के बाद उनका दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जिले में उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए यादव भवन में राधा कृष्ण मंदिर के समीप हवन पूजन अर्चना की गई। वहां मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने आहूति देते हुए मुलायम सिंह यादव के दीर्घायु होने की कामना की। माननीय नेता जी का स्वास्थ्य कल से ख़राब है, वो ICU में है और हम सब लोग जो है यहाँ आज भगवान राधा कृष्ण के इस मंदिर के सामने हवन करके, युवक की पूजा करके, उनकी सलामती के, उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए जो है परमपिता से जो है दुआ कर रहे हैं। क्यों रखी गई ये पूजा अर्चना, क्या उसका उद्देश्य? हम लोग माननीय नेता जी मुलायम सिंह यादव जी को स्वस्थ होने की कामना करते हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यज्ञ का कार्यक्रम किया है, जिसमें सभी लोग पार्टी के यज्ञ का कार्यक्रम कर रहे हैं। रायबरेली में सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने मंदिर में हवन पूजन कर दीर्घायु और स्वास्थ्य करने की ईश्वर से विनती की। इसी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत महबूब आलम शाह की दरगाह पर फूल, अगरबत्ती और चादर चढ़ाकर जल्द से जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांगी, जिसमें मोहम्मद साहिल प्रदेश सचिव समाजवादी अल्पसंख्यक सभा और राजेंद्र प्रताप सिंह जिला उपाध्यक्ष के साथ हेमंत कुशवाहा जिला महासचिव, छात्र सभा और अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मेरा नाम मोहम्मद साहिल है, मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी अल्पसंख्यक सभा का। हम आज महबूब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक महबूब आलम की दरगाह पे आए हुए हैं माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के लंबे स्वास्थ्य की कामना करने और उनको जल्दी शिफा मिले इसके लिए दुआ करने। हम लोगों ने यहाँ पर चादर, हमारे साथियों ने मिलकर आज वहाँ पर चादर चढ़ाई, चादर भी इसकी दरगाह पर, और हम मांग करते हैं बाबा से कि उनको लंबी उम्र बता। मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष वर्तमान सिंह और हम सभी साथीगण हमारे जो साथ में माननीय नेता मुलायम सिंह यादव के लिए प्रार्थना करने आए हैं, इस तरह से उन्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें और बहुत ही आगे तरक्की करें, क्योंकि हम लोग उनकी दुआओं के लिए मंदिरों में सुबह से लेकर और इतनी देर तक हम लोगों ने अपनी यज्ञ पूजा आराधना। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में पिछले कई दशकों से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन रामलीला कमेटी वाले कराते आ रहे हैं। इसी कड़ी में 5 अक्टूबर को दशहरा का मेला लगेगा और नुमाइश ग्राउंड में रावण दहन आयोजन होगा, जिसके मद्देनजर जिलाधिकारी SSP कला निधि नैथानी समेत जिले के तमाम अधिकारियों व रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने रामलीला ग्राउंड का निरीक्षण किया। इस दौरान DM ने रावण के पुतले बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों से मिलकर बातचीत भी की।
गोंडा में कर्नलगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत पहाड़ापुरा समेत इलाकों में मां के मंदिरों पर नवरात्रि के आखिरी दिन भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। अष्टमी तिथि और नवमी के शुभ अवसर पर भक्त विधि विधान के साथ मंदिर में मां की आराधना कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम लोग अपने अपने घरों में हवन पूजन करने के पश्चात कन्या भोज का भी आयोजन कर रहे हैं। यहां पर नवरात्रि देखने और यहां बहुत बढ़िया तरीके से होता है, जो पहले यहां से तकरीब 2500 साल से चल रहा है माता का ये जागरण, और यहाँ अच्छी खासी भीड़ भी होती है। आचार्य निर्मल जी महाराज अवध धाम से। नवरात्र का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। परम्बा जगदम्बा भगवती आज शक्ति स्वरूपा जगत जननी माँ भगवती, अपने जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा तो समस्त देवताओं ऋषियों मुनियों ने आज शक्ति परम्बा जगदम्बा भगवती सती की आराधना की। यहाँ पे बहुत ही वर्षों से ये मूर्ति का काम, मूर्ति रखने का काम किया जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ तीन आचार्य हैं, एक आचार्य जी हैं और दो लघु आचार्य हैं, जो विधि विधान के अनुसार जैसा नियम पद्धति के अनुसार वो सुबह शाम दोनों टाइम पूजा कराते हैं। मैनपुरी में रामलीला मंचन का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन में पहुंचे मुख्य अतिथि भोगांव विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्नोत्री ने दीप प्रज्वलित करके फीता काट का शुभारंभ किया। इससे पहले राजेंद्र मिश्रा ने विधि विधान के साथ हवन करने के बाद शुभारंभ किया। पहले दिन श्री रामलीला बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर रामलीला कमेटी अध्यक्ष राजीव चौहान, माखनलाल, चौकी प्रभारी रिंकेश शर्मा समेत अन्य पुलिस बल मौजूद रहे। जैसा कि आप सबको विदित है, शासन के निर्देश हैं कि कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण नहीं हो। रोड सुरक्षा वीक भी चल रहा है, उसके अंतर्गत जो अवैध अतिक्रमण रोड पे किए जा रहे थे उनको हटाया गया। पुलिस का जो ड्यूटी है वो लाइन आ जाती है कि कोई अतिक्रमण लगाया जा रहा है, सरकारी जमीन कोई अतिक्रमण हुआ है, वहाँ कोई अशांति पैदा नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हो पाए, इसलिए पुलिस आई हुई है और सब कुछ बहुत ही शांति तरीके से हो रहा है। लोगों को सूचना पहले दी गई थी, उसके बाद उन्होंने नहीं उठाया था, तो प्रशासन अपना काम कर रही है, पुलिस भी यहाँ खड़ी हुई है। बांदा जिले में प्राचीन मंदिर देवी जोगनी में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई पड़ी। जानकारी के मुताबिक नवरात्र के समय में मंदिर में हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ लगती है और लोग देवी के दर्शन करने आते हैं और देवी जी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती हैं। इस मंदिर में ना सिर्फ गांव के लोग आते हैं बल्कि दूर दराज से भी लोग आते हैं। जिले का चौथा जोगनी मंदिर है ये। किस मोहल्ले का? करीब कितने पुराना मंदिर है ये? क्या लगभग वर्षों पुराना मंदिर है। यहाँ पे कितने भक्त आते हैं, क्या होता है? हजारों तादाद में भक्त आते हैं। आज नव दुर्गा की नवरात्रि की कौन सी तारीख है? आज अष्टमी तारीख है। आज यहाँ पे लगभग क्या क्या हुआ है? फल भी आरती हुई है माता रानी की जी, और अष्टमी का त्यौहार है, अष्टमी के दिन ही है और बहुत कई तादाद में लोग आए। हरदोई कस्बे में संडीला स्थित गल्ला मंडी परिसर में रामलीला का मंचन किया गया, जिसमें रामलीला के मंच पर कलाकारों ने फिल्मी गानों पर डांस किया, जिसको लेकर वहां मौजूद लोगों में आक्रोश देखने को मिला। इसके साथ ही इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक गल्ला मंडी में रामलीला कमेटी के चेयरमैन अभय गुप्ता की अध्यक्षता में रामलीला के कार्यक्रम का मंचन किया गया था। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय में वर्षों से फलों के जूस की दुकान लगाने वाले मोहम्मद शबीर नवरात्र में छात्र छात्राओं के व्रत के दौरान मुफ्त में फलहार कराते हैं। हिंदू छात्रों को जूस पिलाकर उनके व्रत का सम्मान करते हैं। जानकारी के मुताबिक एएमयू में मौलाना आजाद लाइब्रेरी के पीछे शबीर भाई की जूस की दुकान है। यहाँ पिछले 35 सालों से जूस की दुकान चला रहे हैं और नवरात्र में हिंदू छात्र छात्राओं को फ्रूट जूस के साथ फ्री में फलाहार भी कराते हैं। ये देखते हुए मोहम्मद शबीर को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कहा जाता है। मैं एमयू के मौलाना आजाद कैंटीन के पीछे हूँ, यहाँ शबीर भाई के जूस कॉर्नर पे हूँ। यहाँ सभी फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट्स, जैसे पाइन एप्पल हुआ, मौसमी हुआ और ये बनाना हुआ, एप्पल हुआ, सबका मिक्स फ्रूट भी देते हैं और सबका अच्छा मौसमी का भी जूस देते हैं।
नवरात्रों में क्या खास है इनकी तरफ से? नवरात्रों में खास ये है कि क्या कहते हैं, काफ़ी साफ़ सफाई रहती है और काफ़ी अच्छे से दूध, जैसे आपको ये मैं पी रहा हूँ जैसे आपको दिख रहा है, डिस्पोजल में भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या है प्योरिटी बनी रहे और हम जैसे फास्ट रखने वालों के लिए जैसे जूस का भी आने से बेच रहा हूँ, या मैं छोटा सा था जब से यहाँ बेच रहा हूँ, और मैं बचपन से सुना कर रहा था कि नवदुर्गा में हर चीज़ जैसे भंडारे लगते हैं शहर में कहीं भी, तो उसमें कोई पैसे की तो कोई बात ही नहीं होती, जैसे कि कोई पैसे ही सब कुछ थोड़ी होता है। अलीगढ़ में महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति रजिस्टर के तत्वाधान में अचलताल स्थित प्रदेश कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष विशाल शर्मा, स्वागत समिति कारवा के अध्यक्ष तपेश और महामंत्री सोनू महाजन दीपक के साथ कई लोग शामिल हुए। इस अवसर पर संस्था के संयोजक संदेश राज ने कहा कि 16 अक्टूबर को भव्य महोत्सव मेला रामला ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन राजस्व राज्य मंत्री अनुपम दीप प्रज्वलित कर करेंगे। इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल में हमारे बच्चों ने रामलीला का आयोजन किया गया, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने अपने एक्ट्स किए और जो भी रामलीला हुई थी और जो भी हमारा रिच कल्चर और हेरिटेज है इसके बारे में उन्होंने बताया, बाकी के विद्यार्थियों को इसके बारे में अवगत कराया। छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं कर पाते, बावजूद इसके इन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे मॉडल्स बनाए हैं। ये प्रोग्राम कराने का हमारे उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं कि हमारे बच्चों में भगवान राम से संबंधित, माता सीता से संबंधित, भगवान हनुमान जी से संबंधित संस्कृति विलुप्त होती जा रही है दिन पे दिन। हम इन प्रकार के प्रोग्रामों से बच्चों को भगवान राम के बलिदान से संबंधित, भगवान लक्ष्मण जी के कर्तव्य परायणता से संबंधित भाई के प्रति, और हनुमान जी के मैनेजमेंट किस प्रकार से सेतु निर्माण कराया, किस प्रकार से लंका पार करी, भगवान जी का प्रभु उत्सव पूरे देश में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। उन्हीं के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को रामला ग्राउंड पर बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतियोगिता के लिए रूप सज्जा पंडित और गायन की प्रतियोगिता रहने वाली है। वहीं हमारे 11 दिवसीय कार्यक्रम 7 तारीख से निरंतर 6 तारीख से निरंतर चलने वाले हैं, जिसमें फल वितरण और भोजन वितरण 8 तारीख को रंगोली प्रतियोगिता। चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के हनुमानपुर वार्ड के मणिका देवी ने पुलिस लाइन में एएसपी से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 जुलाई को उनके पुत्र सिद्धांत कुमार की हत्या करके फांसी पर लटका दिया गया था। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मुगलसराय के तत्कालीन कोतवाल की कार्य प्रणाली के चलते मामला लंबे समय तक लटकता रहा। इस मामले पर एएसपी ने संज्ञान लेते हुए कहा कि मामले पर कार्रवाई करते हुए खुलासा किया जाएगा। नहीं, जुलाई में 12 तारीख क्या मांग लेकर आई थी आप? उसमें क्या कहा वाला कि कोई मुलजिम पकड़ाया नहीं है, 4-5 लोग का एफआईआर दर्ज किया था, किसी को नहीं पकड़ा गया है। यहाँ दौड़ रहे हैं, दाख कोतवाली दौड़ रहे, कतो सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ अधिकारी से गली है, क्या बताएं? वो कह रहे हैं कि जाइए वहाँ सीईओ के पास। मैनपुरी में शासन के निर्देश में चलाए जा रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में रोड के किनारे किए हुए अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने हटवाया। अवैध अतिक्रमणकारियों को कई बार निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द वो अतिक्रमण को हटा लें, अगर इस मामले पर सुधार नहीं हुआ तो प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलवाया गया। महाराजगंज में पनियारा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा रजौड़ा कला टोला सिवान में काली जी के मंदिर का छत ढहने से नीचे दबकर एक वृद्ध मजदूर की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। मजदूर की मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने बताया कि लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में थाना टीला मोड़ क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर टीला मोड़ से करीब 700 मीटर दूरी पर रिटायर्ड फौजी के साथ लूट की। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने फौजी के सिर में गोली मारी, लेकिन गनीमत की बात रही कि गोली फौजी के सिर को छू कर निकल गई, जिसकी शिकायत फौजी ने थाने में की, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई।
तो मैं गया था शाम को 5:30 बजे टीला मोड़ थाने पे जी, अपना एप्लीकेशन लिखी भाई मेरा ये करके मेरा पैर लिखो इसको, तो बोला ठीक है हमारे अभी वहाँ आते हैं थाना प्रभारी दरुआ साहब आते हैं वो तुमको 9 बजे मिल जाएगी बोल रहे थे, फिलहाल अभी तक तो नहीं मिला, अब देखो क्या होता है कल तक। अभी ये कल परसों की रात की बात है, बच्चा आया था मेरे पास करीब 7:30 बजे, तो बड़ा ही डिस्ट्रेस में था उसने, उसके माँ बाप बता रहे थे कि जो हेयर क्लिप होती है वो उसने जो है छटक ली है, 5 महीने का बच्चा है, उसे देखने में भी एग्जामिन करने में बड़ा डिफिकल्ट तो होता ही है, फिर हमने गला चेक किया तो उसने कुछ दिखा नहीं, फिर इसका जो एक्सरे कराया, एक्सरे में प्लास्टिक की क्लिप थी वो तो आई नहीं, लेकिन इसमें जो लोहे की स्प्रिंग होती है वो दिख रही। महाराजगंज के पनियारा थाना क्षेत्र के कामता बुजुर्ग में पोखरा में डूबने से 2 मासूम की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। दोपहर दोनों बच्चे अपने दादी के घर पर खेल रहे थे, इसी बीच दोनों मासूम खेलते हुए घर के सामने सड़क के पास पोखरे में डूब गए। कुछ देर बाद घर के परिजन दोनों मासूमों की खोजबीन करने लगे, लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चला। गांव के कुछ लोगों की मदद से पोखरे में दोनों मासूमों की तलाश की गई। कुछ देर बाद दोनों को पोखरे से निकाला गया। आनन फाना ने दोनों मासूमों को परिजन ने अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घर के सामने बच्चे थे, इनके यहाँ क्या नाम है, गरिमा और सागर, दो बच्चे थे। घर के सामने एक तालाब है, उसी के पास सब खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक किस स्थिति में वो चले गए तालाब के अंदर और डूब गए। परिवार वाले सब इधर उधर गांव में खोजते रहे लेकिन नहीं मिले। बाद में गांव के कुछ व्यक्तियों के कहने पर तालाब में तलाशी हुआ तो बच्चे मिले। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच